प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार महवेश नाज को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत का सनातनी बेटा बंटी कुमार, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मजे लेते हैं बल्कि महवेश की भी टांग खींचते हैं। तो ये वीडियो काफी एंटरटेनिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कल जहां गए हुए थे, क्या आप लोगों के मंदिरों में इस तरह के सेशंस या इस तरह की जो आप लोग वेलफेयर कह लो या लोगों के लिए फंडिंग जो करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हर हफ्ते हर महीने या हर मंदिर में इस हद तक आती है, तो उसमें आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ लोग भक्त को मतलब भगवानों में मंदिरों के अंदर दान दक्षिणा करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुरूप। और मैं मंदिर नहीं गया था, मैं मंदिर मतलब जो मंदिर जा रहे थे ना भगवान, आप अभी तक शायद मेरे ख्याल से समझी नहीं कि मतलब कोई 100 किलोमीटर से पैदल जा रहा था। जो लोग जा रहे थे आप उनको फेवर और जो हाँ जो आप जो डोनेशन की बात कर रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअली था, हमारी जेब से था, हमारा पर्सनल था, हमारी श्रद्धा के अनुसार हमने जितना खर्चा कर सकते थे हम करके आ गए, हम वैसे करके आए। कुछ लोग बड़े बड़े पैमानों पे करते हैं, कुछ छोटे पैमाने पे करते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ खर्चा करने वाला, तो मैं अपनी जेब से जितना बन सकता था मैं करके आ गया। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं। पंडित जी, मेरा सवाल ये था, गवर्नमेंट का रोल पूछने का मकसद ये था कि जैसे बहुत सा ज्ञान चढ़ता है, बहुत सी जो है ना आप लोग अपने मंदिरों में जाके, हाँ जी 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 जी, हाँ दान पेटी में, हाँ दान चढ़ता, हाँ वो जो चढ़ाते हैं उसमें कोई परसेंटेज आपकी गवर्नमेंट की भी होती है या वो सारा उन मंदिरों में ही रहता है और उसी की एस्टैब्लिशमेंट? हाँ कुछ परसेंटेज, देखो मेरे को इसके बारे में पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक सरकार ने मंदिरों में जितना भी डोनेशन आता उसका 10% लेने के लिए कहा राज्य सरकार ने कि भाई हमें 10% चाहिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ऐसे और बड़े बड़े मंदिरों में कैसे क्या चलता है हिसाब किताब मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मंदिरों में दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं भक्त, अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हो सकता है उतना चढ़ावा दिखाते हैं, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। अगर भगवान अगर हमको भगवान देता है तो हम उसमें से कुछ परसेंट अगर भगवान को दियाते हैं तो कोई गलत नहीं है। और दूसरा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई व्यापारी ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि भगवान को अपना पार्टनर बना के रखे होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10%, 5%, 20% भगवान को चढ़ा के आते हैं, और उसके बाद वो पैसे का क्या करते हैं इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया भी नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा बंटी जी, एक और लेटेस्ट और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चलने वाली खबर को हम डिस्कस करते हैं, आपको यकीन है उसके बारे में पता होगा। खबरें बाबरे छोड़ो, ये सारे सारा दिन खबरों की बातें होती रहती, पहले मुझे बताओ आज ये सुंदरी बनके जा कहां रही हो तुम, ये इतना सारा 2.5 किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया है, ये लगा के क्या मतलब हिंदुस्तानियों पे हुस्न के जलवे दिखाना चाह रही हो, क्या पाकिस्तानियों पे बिजलियां गिराना चाह रही हो, करना क्या चाह रही हो पहले मुझे ये बताओ। मैंने ना ही तो इतना ज्यादा मेकअप लगाया है, वो लाइट की वजह से मुझे करीब आके बोलना पड़ रहा है ताकि मैं नजर आऊँ, पीछे हो जाऊंगी तो दिख नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं करीब आके बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा नहीं लगाया, वो वैसी मेरी स्किन ग्लोइंग है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी यार, इतना पैसा आप लोगों के पास, एक अंबानी फैमिली ने शादी पे इतना लगा दिया, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे पाकिस्तान की GDP नीता अंबानी पहन के चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना पैसा है कहाँ लेके जाओगे भाई, हमारा कर्जा ही उतरवा दो, कटोरा लेके ना मैं ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी, और मीम्स बनाओ वीडियोस बनाओ, कटोरे दोनों हाथ में पकड़ लेना, फिर मोदी जी अंबानी जी हो सकता है तुम्हारा कोई वीडियो देख ले और सोचे कि चलो भाई पाकिस्तानियों के कटोरे में कुछ डाल दो, लेकिन शर्त यह है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सब अपनी फोटो या जो भी वीडियो बनाए हाथ में कटोरा लेके बनाए, तो हो सकता है अंबानी जी का दिल पिघल जाए और पाकिस्तानी को कर्जा माफ कर दे, मतलब इतना पैसा दे दे, ऐसी भी बात नहीं, ज्यादा अंडरएस्टिमेट। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने मतलब इतने भूखे नंगे कंगले हुए क्यों, पहले उस वजह को पकड़ो और अपने मुल्क को सुधार करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से वजह पता है हमें, क्योंकि हमारे कभी चाइना की तरफ देखते हो, कभी सऊदी अरब की देखते हो, कभी UAE की तरफ देखते हो, कोई 1 बिलियन दे देगा, कोई 4 बिलियन दे देगा, कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा मुझे बताओ। हम भूखे कंगले इस वजह से हुए क्योंकि पिछले 75 साल से हमें कोई लॉयल इंसान नहीं मिला, अपने मुल्क के साथ कंगले बंदा नहीं मिला, इस वजह से भूखे और कंगले है ना, मान गए ना तुम भूखे कंगले हो, लाइट भी नहीं यार है कंगले, अब पूरी दुनिया जानती है क्या करें, फिर मैं कंगली नहीं हूँ।
ये गरीब मुल्क तुम की तो अमीर माला कौम माल हो है? ना। गरीब मुल्क की अमीर कौम है? नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में अमीर भी है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज है। जैसे मैंने तुम्हारा डीएचए देखा है, तुम्हारे वो बेरिया टाउन जैसे लोग देखे, वहां पे हर घर करीब 2-3-4 करोड़ से कम तो कोई घर ही नहीं है, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का घर। और बेरिया टाउन में अगर कोई घुस जाए तो आदमी बोल नहीं सकता है कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के एक हालात तो अलग बहुत। बहरिया टाउन, हाँ, पाकिस्तान में जितने भी बहरिया टाउन तो है एक अलग पाकिस्तान ही के अंदर मुद्दा भी है। है ना, पाकिस्तान में दो पाकिस्तान बसते हैं, एक गरीबों का पाकिस्तान, एक अमीरों का पाकिस्तान। और जो मैं जब मैंने बेरिया टाउन और डीएचए जो भी है आपके वो जब देखे ना मैंने, तो मैं तो हैरान हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ पाकिस्तान में इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतने अच्छे अच्छे मॉल और सब कुछ सिस्टम से बना हुआ उसकी वहां पर। मतलब हैरान हो गया मैं तो। ये है तुम्हारे पाकिस्तान का हाल। और तुम भी मुझे लगता है डीएचए या बेरिया टाउन में कहीं रहती होगी, अमीरों के मोहल्ले में। आवाज ही नहीं आ रही, पहले तो लाइट अभी गई, अब मेकअप आवाज भी चली। नहीं, अभी मेकअप का ताना मारा है। अब अगर मैं ये बता दूंगी ना कि मैं रहती कहाँ हूँ तो बस फिर ऑडियंस समेत आप सब मुझे जलील करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही। अच्छा ठीक है, मत बताओ, अपना पर्सनल रखो। अब मुझे लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम अंबानी हर बार वीडियो में आती हो, मुझे लेके आती हो, मुझे कहती हो कि मैं नेपाल आऊंगी, नेपाल आऊंगी। ये तुम्हारा वादा भी पाकिस्तानी सरकार की तरह वादा है क्या? हर बार झूठा, फेल। कब आ रही हो नेपाल यार अब? ऑडियंस को नेपाल बताओ, आऊंगी तो ऑडियंस मुझे ये जा पहले पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ, तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया, बताओ। परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने, यहाँ मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, आई कैन शो यू माई पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में दिखाओ पड़ा, लाइट आती है तो दिखाती दिखाओ हूँ। दिखाओ दिखाओ, सबूत दिखाओ, हमको सबूत चाहिए। हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ, अभी एक सेकेंड दिखाओ रुको, अभी पासपोर्ट अपना भी दिखा रही हूँ। कितना भी क्या बेतबारा हो ना, अभी दिखा रही हूँ पासपोर्ट किधर चला गया। गाइस ये रहा वाह मेरा पासपोर्ट। वाह वाह वाह, ये अरे पासपोर्ट की तो इज्जत ही नहीं है, तो ऊपर से नीचे से चौथे नंबर पे रेटिंग चल रही है इस पासपोर्ट की। तो ये रहा मेरा पासपोर्ट, अब खबरदार जो मुझसे इसी पासपोर्ट पे तो गलतियां। तुम्हारे पीएम को यूएस में नंगा कर दिया जाता है, और इस पासपोर्ट को लेके तुम खुश हो रही हो, इतरा रही हो। पूरी तो मैंने तो दुनिया का ऑडियंस चौथा को ये वर्स्ट बताया है कि पासपोर्ट है मेरा तुम्हारा। मेरा प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैंने प्रोसेस के लिए वो किया हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकेगा ना कोई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों? हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकोगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है। हम नहीं डरने वाले तुम्हारे लोगों तुम्हारे को ना लगेगा तुम्हारे भूत तुम्हारे इससे नहीं डरने वाले हम। भूत बंगले में बैठ गए। अच्छा मैं आपसे अंबानी फैमिली का पूछ रही थी, मुझे बताएं कि नहीं, क्या अगर है भूत रचना भूत इतना। भूत नहीं, अगर इतनी सुंदर हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बताएं इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे। एक अरे तरफ आप लोग अंबानी फैमिली कहते ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा वो उड़ाए, खूब उड़ाए। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे, मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है भाई। अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का अमीर आदमी है। अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान, अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा। अमीर पैसा उड़ाया, पैसा उड़ाया। वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है। वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता। उनकी साड़ी देखो, उनका नेकलेस देखो, कितना पैसा उड़ा दिया। रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, एक नंबर का पैसा है, वो कितना उड़ाया, वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है, क्यों जलन होती है, मुझे बताओ। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं, और तुम्हारे दूसरा कर्म मुल्क खोटे उसने हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो। तो इसके अंदर है ना किसी की कोई गलती नहीं है। अब देखो, भाई तुम्हारा अल्लाह परमाणु बम भरोसा। बनाने वाला, मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणु बम जिसने बना के दिया उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बम तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका,
जो अहमदी थे और उनको जेल में बंद कर दिया गया, लास्ट में उन पे आरोप लगा दिया कि ये तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। क्या इज्जत की तुमने उनकी? टैलेंट की इज्जत नहीं है ना, देखो इसीलिए तो मेरी इज्जत हाँ नहीं कर रहे पाकिस्तानी। हेल्पिंग टीवी की जानिब से कमेंट है, अंबानी जी की सिर्फ 3 दिन की कमाई है वो जो उन्होंने शादी फोड़ा है। और नहीं तो क्या, मैं इतना पैसा है उनके पास में, उनके कोई फर्क, वो मैं यही तो मैंने अपने वीडियो में भी ये कहा था, अगर वो ऐसी 10-12 शादियां और भी कर देना तो उनको, वो एक देसी लैंग्वेज में बोलू, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी ऐसी शादियां पूरे महीने करते रहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे विश्व में घुमा घुमा के शादी करे ना, ऐसी हर जगह की प्राइम लोकेशन लेके भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है बंदे के पास में। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। मेरे पास पे पैसा हो तो मैं तो जरूर कराऊंगा, लेकिन मैं ना तो मुझे शादी करनी, ना मेरे को, मेरे पास पैसा नहीं, अंबानी जी को बोले ना आपकी शादी बुक करा दे। है। अरे वो क्यों करवाएंगे, ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, सबके सब पहुंच जाएंगे लाइन लगा के कि भाई अंबानी जी हमारी भी शादी कराओ, हमारी कराओ। ऐसे थोड़ी ना होता। पिज्जा का एक डायलॉग है यहाँ पे, हलवा है क्या, हलवा हलवा पकाओ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और बंटी कुमार और मैविश नाइस का ये लाइट डिस्कशन या फिर कहें हल्की फुल्की बातें आपको काफी पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे खुद मैविश नाइस ने माना कि वो खुद बांग्लादेश पाकिस्तान में रहती है और बंटी कुमार ने भी पाकिस्तान के खूब मजे लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं तो वीडियो काफी एंटरटेनिंग और मजेदार होती है, एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते और मुझे लगता है किसी दिन बंटी कुमार मैविश नास को भारत ला के ही छोड़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।